प्यूबर्टी गर्ल्स में एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें चाइल्डहुड से आप विमेनहुड की तरफ आते हैं, और कभी कभी नॉलेज के लैक की वजह से या शाइनेस में एक गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और गलत बातों को अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हैं। तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जिनको पूछने में आप शाय फील करते हैं? तो आज मैं प्यूबर्टी गर्ल्स में जो जो चेंजेस होते हैं और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट इन मेरठ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी जब भी एक गर्ल विमेनहुड की तरफ जाती है तो उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसे यौनावस्था कहते हैं। फिर प्यूबर्टी की एज क्या होती है? यूजुअली प्यूबर्टी की एज 8 टू 14 ईयर्स की एज होती है, पर कभी कभी प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं वो 8 ईयर्स से पहले भी होने लगते हैं और कभी कभी 15 ईयर्स की एज तक भी चेंजेस नहीं होते। तो दोनों ही कंडीशंस में, चाहे प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाए या लेट आए, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि बहुत जल्दी प्यूबर्टी के चेंजेस होने, और 15 ईयर्स तक भी अगर प्यूबर्टी के कोई चेंजेस नहीं होते, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। प्यूबर्टी क्यों होती है? हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। वहाँ से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो ओवरी पे एक्ट करते हैं और ओवरी बहुत सारे एग्स रिलीज करने लगती है। तो जब ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं तो हॉर्मोन रिलीज होता है जिसे ईस्ट्रोजन हॉर्मोन कहते हैं, और ईस्ट्रोजन हॉर्मोन की वजह से बॉडी में चेंजेस होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में सबसे पहला जो चेंज प्यूबर्टी का आता है उसे थैलार्के बोलते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट नोड्यूल स्टार्ट हो जाता है बनना, और पहले एक साइड से नोड्यूल बनता है, फिर कुछ महीने के बाद दूसरा नोड्यूल बन जाता है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है जिसे थैलार्के बोलते हैं। फिर दूसरा चेंज आता है जिसे एड्रेनार्के बोलते हैं, जिसमें बॉडी में हेयर्स का ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली आर्मपिट पे और प्यूबिक हेयर्स। ये सेकंड चेंज है जिसे एड्रेनार्के बोलते हैं। थर्ड चेंज होता है जिसे मेनार्के बोलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। थैलार्के और मेनार्के में 1 से 1.5 साल का गैप होता है, यानी कि अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो आपको अपनी डॉटर्स को ये समझाना पड़ेगा कि दे आर अबाउट टू हैव देयर पीरियड्स आल्सो विद इन 1 and 1.5 years। उसके बाद जो और बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हैं कि ऑयल ग्लैंड्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, फेस पे ऑयल ज़्यादा आने लगता है और एक्ने आ जाते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और गर्ल्स को ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अदरवाइज़ ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में एक नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस हैं जो आके रहेंगे, और समय के साथ साथ जब हार्मोन सेटल हो जाते हैं तो ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना और इधर उधर उल्टी सीधी सलाह नहीं लेनी है। एक और क्वेश्चन पीरियड्स से संबंधित गर्ल्स और स्पेशली मदर्स पूछती हैं कि इसके पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं या 3-3, 4-4 महीने तक आ ही नहीं रहे हैं, और वो अपनी बेटियों को डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं, और कभी कभी आप साइक्लिकल हॉर्मोन्स पे अपनी डॉटर्स को डाल देते हैं इतनी छोटी एज में, जो कि बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजिकली तो आपको ऐसा लगता है कि पीरियड्स रेगुलर हो गए, पर थोड़े दिनों के बाद जब आप अपनी इन दवाइयों को विड्रॉ करते हैं तो फिर से पीरियड्स की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है। शुरू शुरू में हॉर्मोन्स का वैक्स वैन हो रहा होता है, जिससे कि कभी तो हॉर्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, कभी कम मात्रा में बनेंगे, कभी एग नहीं बनेगा, कभी जल्दी जल्दी बनेंगे। तो इसी हिसाब से पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, और ग्रेजुअली बाय द एज ऑफ 13-14 ईयर्स पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं और एक प्लेट्यू में आ जाते हैं। तो शुरू के दिनों में जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है और पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं तो ये भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काउंसलिंग की ज़रूरत है और अपना माइंडसेट की ज़रूरत है। उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो है कि स्वेट ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि पसीना ज़्यादा आने लगता है
और आपका एक स्पेशल ओडर हो जाता है, ये भी एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। गर्ल्स का एक क्वेश्चन होता है, डॉक्टर मेरी फ्रेंड्स को तो सारे प्यूबर्टी के चेंजेस आ गए पर मेरे में तो अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और मेरे को क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे में कोई एबनॉर्मेलिटी है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, किसी की नाक छोटी होती है, किसी की आईज बड़ी होती हैं, तो ये आपका बॉडी का प्रीडिस्पोजिशन है। प्यूबर्टी के चेंजेस हर गर्ल में अलग अलग टाइम पे होते हैं, और मैंने आपको जैसे रेंज बताई, इट इज़ बिटवीन 8 to 14 ईयर्स, तो इस रेंज में किसी को किसी भी समय पे प्यूबर्टी चेंजेस हो सकते हैं, कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है। तो आपके फ्रेंड को अगर ये चेंजेस 10 ईयर्स में हो रहे हैं तो हो सकता है आपको 11 ईयर्स में हो जाएं, डोंट वरी अबाउट इट। गर्ल्स का एक क्वेश्चन होता है कि उनके ब्रेस्ट के साइज़ अनइवन है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ब्रेस्ट अलग अलग पेस पे डेवलप होती हैं, लेकिन ये श्योर है कि कुछ समय के बाद दोनों अपना नॉर्मल साइज़ ले लेती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मदर्स को और पेरेंट्स को समझने की है, और मदर्स अक्सर ये आके बोलती हैं कि डॉक्टर इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, छोटी छोटी बातों पे ये नाराज़ हो जाती है, रूठ के बैठ जाती है, और टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें, मूड चेंजेस, ये भी हार्मोन्स की वजह से होते हैं, बच्चे के ये बस में नहीं है, आपको इसमें समझना पड़ेगा। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, अपने बच्चे को समझिए, उसको गुस्सा ना करें, उसके साथ बिल्कुल एक सानिध्य बना के रहें और उसकी इन चीज़ों में उसकी हेल्प करें। ये बच्चे के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो कि बिल्कुल एक हाई स्पाइक हो रहा है, जिसकी वजह से इतने मूड चेंजेस होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इस चीज़ में आप बच्चे के साथ रहिए, उसको गुस्सा ना करें। बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, जोर जोर की चिल्लाने लगते हैं, बेवजह बातों को, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं। बॉयज़ में तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और समय के साथ साथ ये 100% ठीक हो जाती हैं। इसमें सिर्फ पेरेंट्स को अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करने की ज़रूरत है, बच्चों के बस में ये चीज़ नहीं है। और बच्चों को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को अपनी प्यूबर्टी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए फिज़िकली एक्टिव रहना है, गुड डाइट लेनी है, एक्सरसाइजेस करनी है और स्लीप पैटर्न को मेंटेन करना है। प्यूबर्टी एक नॉर्मल चीज़ है जो कि आपको विमेनहुड की तरफ लेके जा रही है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ का चेंज है जिसे आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से और अपने हेल्दी डाइट से आप अपनी प्यूबर्टी को मैनेज कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं ये मिल गए होंगे, और आप अपने बच्चों को और बच्चे भी अपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। बाय।